आपने प्रोमोज देखे होंगे, मेरे ख्याल से आज तक इस किस्म की मराठी फिल्म तो आई नहीं कभी, तो ये पहली ऐसी फिल्म है। और राकेश भी माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जिस मतलब जैसे सलमान खान अपने बाकी सारी खतरनाक फिल्मों में लगते हैं, वैसे ही राकेश इस फिल्म में लग रहे हैं। और एक्शन उन पर बहुत अच्छा सूट हो रहा है और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी फिल्म कैसी होगी। मेरे ख्याल से फुल पैसा वसूल सीटी मारने वाली फिल्म होगी, तो जिस तरीके के प्रोमोज आए हैं आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। आई वांट टू सी हाउ द फिल्म इज गोइंग। मुझे मराठी ज़्यादा तो आती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। लेकिन क्योंकि राकेश है फिल्म में और बेसिकली एक्शन फिल्म है, तो जो मसाला फिल्म होती है ना ऐसी वाली, वो बड़ी यूनिवर्सल होती है। वो छोटे बच्चे से लेकर जो बूढ़े होते हैं उनको भी समझ आती है। वो मैजिक होता है ऐसी फिल्मों में, तो मुझे लगता है ये ऐसी फिल्म होगी जहाँ तक मुझे प्रोमो से लगा था। तो आई एम श्योर आई एम गोना एंजॉय इट। हम जितने भी खतरों के खिलाड़ी के गैंग के जितने भी लोग हैं, हम दो तीन महीने में एक बार तो मिलते ही हैं किसी न किसी के घर पे। लेकिन राकेश के साथ मेरा बहुत ही पुराना एक रिलेशन है। वो जब मैं बम्बई में नया नया आया था, हम दोनों छोटे बच्चे थे और हमने ढेर सारे म्यूज़िक वीडियोस टी सीरीज़ के एक साथ किए थे, तो हमने खूब मज़े किए उस टाइम। तो आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सिंस देन। थैंक यू सो मच।